क्वेश्चन नंबर 11 में अ बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स. ठीक है, तो बेसिकली सपोज इफ दिस इज पॉइंट ए एंड इफ दिस इज पॉइंट बी. ठीक है, ओके, सपोज ए टू बी जाने में इफ इट इज डाउन स्ट्रीम. ओके, अब जिन बच्चों को डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का फंडा नहीं मालूम वो ज़रूर बोट्स एंड स्ट्रीम का लेक्चर ज़रूर देखेगा. अगर मैं यहाँ मैं अगर डाउन स्ट्रीम मानूँ, ओके, तो इसका ऑपोजिट होगा अपस्ट्रीम. इसका मतलब है ए टू बी अगर आप जाएंगे तो आप नदी के धारे के साथ जाएंगे. ठीक है, ओके, उसके स्ट्रीम के साथ जाएंगे जिसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं. अगर आप बी टू ए आएंगे तो आप जो स्ट्रीम है उसके ऑपोजिट आएंगे. ठीक है, उसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं. नाउ देयर आर टू कंडीशंस. मैंने बच्चों को बहुत बार कहा है, मैंने कहा है बेटा डाउन स्ट्रीम के केस में, इन द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम के केस में जो ओवरऑल स्पीड होती है एस डी, दैट विल बी नथिंग बट स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. और इन द केस ऑफ अपस्ट्रीम जो ओवरऑल स्पीड होती है एस यू, दैट विल बी एस बी माइनस एस एस, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट को कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ स्ट्रीम काटती है. ठीक है, तो एस बी इज नथिंग बट स्पीड ऑफ बोट, एस एस इज नथिंग बट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और एस डी और एस यू क्या है, ओवरऑल स्पीड है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम के केस में. ठीक है, अब मुझसे क्या कहा गया है, मुझसे कहा गया है अ बोट गोज 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स. ठीक है, सो द डिस्टेंस इज गिवन टू यू, दिस डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर. ठीक है, तो अपस्ट्रीम की बात कर रहा है, अपस्ट्रीम में 2 घंटे लग रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में अपस्ट्रीम का जो टाइम है मैं टी यू ले रहा हूँ एंड दैट टाइम इज गिवन टू यू 2 आवर्स. ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है दैट आई टेक टी डी, सपोज टी डी मुझे दिया है 1 आवर. ओके, सो हाउ मच टाइम दिस बोट विल टेक टू ट्रैवल 30 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोट. एस बी निकालना है आपको सबसे पहले, और फिर हम निकाल लेंगे बहुत ईजिली कि वो 30 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रैवल करेगा. तो बहुत आसान है, बहुत आसान है. इफ़ आई ऐड दिस टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूँगा, सो इन द लेफ्ट हैंड साइड आई विल गेट एस डी प्लस एस यू, और एस बी, एस बी विल गेट ट्वाइस ऑफ एस बी, और ये एस एस, एस एस विल गेट कैंसिल क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, और यहाँ से एस बी आएगा. ठीक है, ओके, वैसे ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है मुझे क्योंकि ऑलरेडी मैं बच्चों को ये बहुत बार बता चुका हूँ. ठीक है, स्पीड ऑफ बोट विल बी नथिंग बट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज नथिंग बट डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन टू. अब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए एवरीथिंग इज गिवन टू यू. ठीक है, डिस्टेंस इज गिवन टू यू. तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होता ही है. सो डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम का टाइम, ओके, और अगर मैं अपस्ट्रीम की ओवरऑल स्पीड निकालूँ तो अपस्ट्रीम की डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम है और अपस्ट्रीम का टाइम. ठीक है, सो फ्रॉम हियर इट विल बी 20 अपॉन टी डी इज 1, 20 अपॉन 1, सो इट विल बी 20 किलोमीटर पर आर. एंड हेयर इट विल बी डिस्टेंस इज 20 अपॉन 2, इट विल गोइंग टू बी 10 किलोमीटर पर आर. बस वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज हियर. सो एस बी विल बी इज इक्वल टू एस डी, एस डी इज हाउ मच, 20 plus 10 upon 2, so it will going to be 30 upon 2, it will going to be 15 kilometer per hour. ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी, ओके, now what has been asked in the question that how much time this boat will take to travel 30 kilometer. See what is the meaning of 15 kilometer. अगर मैं बोलूँ एस बी, एस बी का मतलब है स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. ठीक है, ओके, और वो कितनी आई है, वो आई है 15 किलोमीटर पर आर. इसका मतलब एक घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 15 किलोमीटर. ठीक है, या उल्टा भी लिख सकता हूँ, 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कितने घंटे में कर रही है, एक घंटे में. अब मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में करेगी. तो 15 किलोमीटर अगर 1 आवर, सो 30 किलोमीटर विल बी 2 आवर डायरेक्टली. ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर, वेरी इजी.